लगा के सब डेकोरेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये हम करने वाले हैं डेकोरेट। दिल्ली में अब हो चुका भाई, ठंड हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ आज हमारे घर, मतलब मैं पहले थी, मेरे ही घर पे थी, अब मैं जा रही हूँ ससुराल। सॉरी, दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है, तो आप जितने भी दिल्ली वाले हैं बहुत ज्यादा केयरफुली रही। फॉग जो है दिल्ली में बहुत ज्यादा, मतलब आगे के रोड नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरे से अभी दिखाऊंगी। और मैं कभी भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी विंटर में पुरखे के ऊपर कभी भी मैं जैकेट वगैरह नहीं पहनती, क्योंकि वो हो जाती है, हेजिटेट हो जाती हूँ मैं। बट अभी क्या हुआ, अभी जो है इतनी ठंड है कि मैं बुरखे में कार के अंदर हूँ तब भी मुझे ठंड लग रही है, और मैंने ये पहन रखा है वुलन का ही, वरना मैं कभी नहीं पहनती हूँ ये सब। तो अभी जस्ट हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब ससुराल जा रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए, आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी। और अपना भी ख्याल रखिए, और अपने मम्मी पापा का रखिए, दादा दादी नाना नानी सबका ख्याल रखिए, जितने भी बुजुर्ग हैं और बच्चे उनका खासकर ख्याल रखिए। फॉग बहुत ज्यादा है रियल में, बट कैमरा में इतना दिख नहीं रहा। अब आया है फॉग, देखो अब बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं कितना ज्यादा फॉग है कि पूरा जो है कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिल्ली में अब हो चुका भाई, ठंड हो गई। सिग्नेचर ब्रिज तो दिख ही नहीं रहा, बहुत ठंड भाई, बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे पिछले साल शिमला में हो रही थी, पिछले मनाली में, सॉरी मनाली में पिछले साल था, तो वहाँ भी इसी टाइप की ठंड थी जितनी यहाँ हो रही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो आपको दिख ही रहा होगा कि मैं आप ही के साथ जा रही हूँ ऑटो से। हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं जामा मस्जिद, क्योंकि वहाँ से हमें थोड़ा सा ज्वेलरी लेना था, और उसके बाद हमें और बच्चों के सूट भी लेने थे। और आपको पता है कि शादी के माहौल में जो है जाना ही पड़ जाता है, एंड मोमेंट पर भी। तो शॉपिंग करते करते हम लोगों को इतनी भूख लगने लगी थी, क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो हमने सोचा कि रेस्टोरेंट में बैठ कर कुछ खा लेते हैं, उसके बाद दोबारा से शॉपिंग करेंगे। सब खा रही हैं, ये जंक फूड देख लो अपने। घर भी हमें जल्दी जाना था, क्योंकि घर पे और भी हमें बहुत सारा काम था, घर जाके डेकोर भी करना था, क्योंकि कल हल्दी का फंक्शन है और आज लास्ट डे था शॉपिंग का, और उसके बाद हम लोगों को आज ही फ्री होना था सारी चीज़ों से। हम रिक्शा में बैठे हैं, और ये देखिए बाजार घूम रहे हैं, और ये देखिए हमारे पास कितना सारा सामान है, ये देखो आप बाजार, और कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ सदर मार्केट की साइड है अभी रिक्शा में, और यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब से स्टार्ट है आप ही की हल्दी सेरेमनी, जो कि अभी से नहीं है। आपको बताना चाहती हूँ आज हम कर रहे हैं, रात हो रही है, अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, क्योंकि सुबह से हम लोग काम में बिजी थे, अभी मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे ये हम करने वाले हैं डेकोरेट, आप देखना कि हम ये कैसा डेकोरेट करने वाले। हाय गाइस, तो अभी हम यहाँ के सब डेकोरेशन करने के लिए जा रहे हैं। आज आप देखना कि हल्दी सेरेमनी में कैसे लुके, कैसे डेकोरेट होता है, और आप लोग मुझे बुक कर सकते हैं, मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, ज्यादा एक्सपेंसिव। वीडियो अपने आप कैसे डिस्कंटिन्यू, थोड़ी दाली पे भी लगा लो, इधर क्या रूम, इनकी दाली पे, दाली दाली पे तो रूम हटा दू, नहीं तुम्हारी ज्यादा करनी है, तुम अपनी हटाओ। हेलो ऋषभ, क्या कर रहा है? चलो आ जाओ, इसके ऊपर तो टेप हुआ, तो चिपकाओ। एक रहीम, एक अरशान, बाकी तो बस आ रहे हैं, अभी शिफ्टिंग हो रही है, तो बस अभी ये वॉल पूरी डेकोरेट हो जाएगी, यू नो पता क्या, रिवर्स 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 आता था, तो रिवर्स 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 डेकोरेशन पूरे इस वॉल पे। सुनो सुनो मेरी बात, एक ही तरफ से एक फिर से मिला दो, वही तो ये किसका महंगा मोजे डन्नी की कोई बात नहीं। ये सोफा हम अंदर रख रहे थे, यहाँ पे पूरे में डेकोरेशन होती, बट सोफा नहीं जा रहा। सब बात हो चुका है, रुशिया भी सेट हो चुकी है, सॉरी सोच रहे हैं सोफे से जगह घिर रही है हमारे हॉल की, देख सकते हो गाइस। तो हम क्या करें, आप पानी फेरियो फिलहाल, मम्मी को ले, मम्मी को ले।
जल्दी बना 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 थक चुकी है मेहनत करते हुए इधर सलामुअलैकुम। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भूरा और मैं काम करता हूँ पूरा। तो आज का जो काम है हमारा पूरा करने का, वो है डेकोरेशन का। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, मेरी साली साहिबा की शादी है, तो उनकी हल्दी की तैयारियां चल रही हैं। इधर रूसी तैयारियां कर रही हैं और इधर वगैरह, ये देखिए, इधर ये मैडम लेटी हुई है, इधर ये रही। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका, मतलब क्या फील कर रही हैं आप? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, नो कमेंट। देखिए, ये इन्होंने अभी मेकअप नहीं कर रखा, तो ये अपने कैमरे को फेस नहीं कर पा रही हैं। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं। जी, आप कैसा फील कर रही हैं? मैं तो बहुत मजे कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज सब ये लोग मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे, आज मुझे मौका मिला है शादी की तैयारी करने का, तो मैं जरूर इंशाल्लाह जितना होगा उतना करूंगी। और मैं बहुत मेहनत से ये डेकोरेशन करना चाहती हूँ। जो हम लोग जो सोफा रखने वाले थे अंदर रूम में, बट रीजन ये था कि ये सोफे हमारे चौड़े हैं और डोर जो है वो पतले, इस वजह से सोफा नहीं आ पाए, इसलिए वो यहीं पर ही हमने रख दिया, वरना ये पूरे हटकर पूरे में डेकोरेशन होती, बट अभी नहीं हो पाया। ये रूशी के साथ डेकोरेशन को देख रहे हैं, अब डर गए। छोटे मामा, बड़े मामा, प्यारे मामा, उतारते हुए शैल जीजू हमारे, जो कि डेकोरेशन की तैयारी करवा रहे हैं अपनी साली की माइयों के लिए। हूँ इनकी साली, मैं इनसे बड़ी तो साली हूँ, लेकिन ये शैल ऋषि को छेड़ते हुए बस फिलहाल मैंने यही डाले, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा करके। दूर से ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल फ्लावर, और ये ऐसे टंगता है, ये ऐसे, और इसमें फूलों की लेती तो दिखी नहीं रहा। किसकी जगह क्या लेती? ये पीले की जगह काइट ले लेती। सुनो, शेल को जला के तो दिखा दे, एक दिया एक बार, जाओ पानी डाल के एक जला के दिखाओ। ये देखो ऋषि आंटी को आगे दिखा, नहीं 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 लगेगा, नीचा है बहुत। बस बस, हाँ सही कर बिल्कुल। ये पता है ऋषि, ये ऋषि आपके पास लास्ट चांस है, ठीक है? धागा भी नहीं, दोबारा तोड़ना पड़ेगा पूरा। ये ऊंचा भाई बना लो पहले ना, अभी एक मिनट, पहले एक बांधो ऋषि। हाँ, ये सब पूरा डेकोरेशन ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो फाइनली ये हो चुका है रेडी, आप देख सकते हैं ये पूरा डेकोरेट हो गया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये टू मच प्रिटी, और ये सारा इसका पूरा क्रेडिट जाता है मुझे। तो ये रही ब्राइड टू भी, आप देख सकते हैं कल इसका मेरा जो आज देखिए, ये कल दुल्हन बनेंगी, यहाँ बैठेंगी यहाँ। अगर तुम्हारी मेहनत हो ना तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वाओ। अभी जो है हम ये इस पे इसको छुपा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ये कैट है ना, इनको जाने ना दूंगा। हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई और अब ये लोग जा रहे हैं अपने घर के, बज रहा है रात के 4, तो हम लोगों को काफी टाइम हो गया था। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़।
बाय। हल्दी की सफाई कर ले, डन कर ले, बाय बाय।